हरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी राधा देवीदासी गोविंदास क्यूज़ीन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सब्जी बैंगन करी। यह सब्जी की जो ग्रेवी है वह बहुत ही बढ़िया बनती है और हमारे घर में जो अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है उसी से हम बनाएंगे। यह बैंगन करी साउथ इंडिया में बहुत ही प्रचलित है। इसमें हम उपयोग करने वाले जो फ्रेशली ग्राउंड मसाले हैं तो उससे खड़े मसाले का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है। लंच हो या डिनर हो, कोई भी टाइम पर हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर कढ़ाई में हम 1/4 कप जितने मूंगफली के दाने लेंगे। इसे हमें लो फ्लेम पर भून लेना है, लगातार चलाते रहेंगे ताकि कोई साइड से जल ना जाए। अब यह रोस्ट हो चुके हैं, हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना साबुत धनिया डालेंगे, 2 चम्मच खसखस, 2 चम्मच तेल डालेंगे, 3 लौंग लिए हैं और 2 इलायची लेंगे। अब लो फ्लेम पर ही हम इसे 1 या 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। भून लिया है, 2 टेबलस्पून सूखा नारियल डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च और फिर से हम इसे भी रोस्ट कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अब स्टोव को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हम पूरा ठंडा करने रख देंगे। यहाँ पर हमने 250 ग्राम जितने छोटे बैंगन लिए हैं। अगर आपके वहाँ ब्लैक कलर के बैंगन हैं छोटे वाले तो आप वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे का डंठल थोड़ा कट कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ पर थोड़ा पानी ले लेंगे, उसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और बैंगन को यह ऊपर की जो साइड है वहाँ से प्लस जैसा कट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह, और वह पानी में डाल देंगे ताकि वह काले ना हो जाए। यह रेडी हो गया है, हम इसी तरह पानी में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। हमने जो मसाले भून के रखे थे वह ठंडे हो चुके हैं, मिक्सी जार में ले लेंगे। इसे हमें पाउडर जैसा ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं पाउडर जैसा हो गया है। इसमें हम 1/2 कप पानी मिलाएंगे और इसे पेस्ट जैसा पीस लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मूथ पेस्ट बिल्कुल रेडी है, इसे हम साइड में रख देंगे। एक पैन लेंगे, उसमें 3 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। अब बैंगन को पानी में से निकालकर एक एक करके इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे एक बार और इसे हमें लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर 90% तक कुक हो जाए तब तक हमें इसे कुक करना है। पाँच मिनट हो गई है, एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से सभी जगह से ब्रिंजल हो जो है वह अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। फिर से और 3-4 मिनट के लिए कुक करेंगे। तीन से चार मिनट हो गई है, मिक्स कर लेंगे।
नाइफ की मदद से हम चेक कर लेंगे, आप देख सकते हैं 90% कुक हो गए हैं और बैंगन जो है वह ज़्यादा ऐसे मशी भी नहीं हो गए हैं। हम एक एक करके प्लेट में निकाल देंगे, स्टोव को बंद कर देंगे। उसी पैन में आधा चम्मच जीरा डालेंगे, एक बारीक काटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच कसा हुआ अदरक, एक चौथाई चम्मच हींग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़े से करी पत्ते। एक बार मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सौते कर लेंगे हम। यहाँ पर 3 टमाटर को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, वह मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके हमें इसे लो फ्लेम पर, जब तक कि ऑयल सरफेस होने लगे, तेल छूटने लगेगा, तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि तेल रिलीज हो चुका है और ग्रेवी जो है वह कुक हो गई है। 1 टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम इस मसाले को 1 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। यह बिल्कुल रेडी है। हमने जो मसाले की पेस्ट बनाई थी वह हम इसमें मिलाएंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। अगर आप यह सारी रेसिपीज़ इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो YouTube पर कृष्णास क्यूजिन में देख सकते हैं। इसमें हम 1 कप पानी मिलाएंगे, मिक्स कर लेंगे। हमने पहले भी बहुत सारी सब्जीज़ की रेसिपीज़ शेयर की है और सब्जी रेसिपीज़ की प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब बैंगन जो हमने कुक करके रखे थे वह हम इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे और इसे हमें लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर कुक करेंगे ताकि बैंगन में भी वह सारे फ्लेवर्स आ जाए। पाँच से सात मिनट हो गई है, मिक्स कर लेंगे। हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि बैंगन जो है वह ज़्यादा टूट भी नहीं गए हैं। आप ग्रेवी भी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं और ज़्यादा पतले भी नहीं हैं। 2 टेबलस्पून जितना बारीक काटा हुआ धनिया डालेंगे। बैंगन करी बिल्कुल तैयार है, स्टोव को बंद कर देंगे। यहाँ पर हम बैंगन करी को फुलका के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चपाती या राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तुलसी पत्र रखकर भगवान जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करेंगे। भगवान जी को भोग लगा दिया गया है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको भोगा रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि भोगा रेसिपीज आपको मिलती रहे। हरे कृष्णा हरे बोल।